कार जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर। सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर की रेंज, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है, कार जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो एक बार फुल चार्ज कीजिएगा 160 किलोमीटर का यहाँ पे माइलेज मिल जाएगा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी का है, क्या इसका प्राइस है, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो कंपनी जो है नई ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी इसी साल सितंबर से शुरू होगी। बात करें तो ओकिनावा ने ओकी 90 के पुराने और पिछले साल लॉन्च किया गया था। बात करें तो कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है अब तक ऐसा स्कूटर नहीं बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इसका दावा है कि अभी तक जो है इस तरह की स्कूटर नहीं बनाया जिस तरह की स्कूटर हमारा है, चूँकि हमारे स्कूटर में बहुत सारे फीचर्स है। आइए यहाँ पर गाड़ी का एक फर्स्ट लुक देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये रहा आपका सिल्वर एंड ब्लैक कलर का गाड़ी, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो है कार वाले फीचर्स दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे टैग देखने को मिल रहा होगा। गाड़ी देख लीजिए कुछ इस प्रकार से गाड़ी है, बड़ा सा व्हील बेस है, उसके बाद आपको बड़ा सा जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। मोटर की बात करें तो जो भी बहुत ही बड़ा है। बात करें दोस्तों इसका जो व्हील देख रहे हैं, चक्का है, काफ़ी बड़ा है, स्कूटी वाला चक्का नहीं, इसमें जो है बाइक वाला चक्का लगाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्टैंडर्ड है। बात करें तो ओकिनावा का ओकी 90 में जो है कई नई फीचर्स भी जोड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें पहले जो लॉन्च हुआ था उसमें फीचर्स कम था, अभी वाले में नया फीचर्स भी ऐड कर दिया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से फीचर्स ऐड हुआ है। तो बात करते हैं कुछ हाइलाइटेड पॉइंट की। तो ओकिनावा जो है भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्रमुख निर्माता है। बात करें तो दोस्तों कंपनी जो है नए अवतार में ओकी 90 स्कूटर को लॉन्च किया है और फुल चार्ज करने के बाद 160 किलोमीटर की रेंज देता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 160 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। आइए बात करते हैं दोस्तों, तो ओकिनावा का ओकी 90 दोपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी निर्माता ओकिनावा ने ऑटोटेक ने ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है 2023 मॉडल में लॉन्च किया है। ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी अपग्रेड के साथ नए फीचर्स अपडेट किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वहीं बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने जो है नई ओकी 90 की डिलीवरी इसी साल के सितंबर से शुरू करेगी। ओकिनावा ने ओकी 90 के पुराने मॉडल को पिछले साल ही लॉन्च किया था। स्कूटर का निर्माता का दावा है दोस्तों कि इस स्कूटर की जो है अब तक जो है 10,000 यूनिट की बिक्री हो चुकी है। वहीं बात करें तो ओकी 90 जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज और फीचर्स के बारे में जानते हैं। आइए इसकी रेंज और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। अभी तक जो है 10,000 से ज़्यादा बुक आ चुका है। अगर आप अभी तक बुक नहीं किए हैं तो बुक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो फुल चार्ज में 160 किलोमीटर की दमदार रेंज। जी हाँ दोस्तों, बता दें ओकी 90 जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर नए मॉडल में कंपनी ने बड़ी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया है, जिससे कि स्कूटर की रेंज बढ़ गई है। अब यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर की रेंज देता है। वहीं बात करें तो यह स्कूटर अब तक जो है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड पर चलाया जा सकता है। बात करें दोस्तों, तो चार्जर ले जाने के लिए परेशानी हो रही थी, इसलिए कंपनी स्कूटर के साथ आपको माइक्रो चार्जर भी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें चार्जर इसका जो है लेगने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, चूँकि थोड़ा बड़ा चार्जर था, लेकिन अब कंपनी जो है माइक्रो चार्जर दे रही है, यानी छोटा चार्जर दे रही है, जिससे कि आपको लेकिन कहीं भी ले जाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं, तो कार जैसे हैं फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें अपडेट के तौर पर कंपनी ने अपने इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दे दिए हैं जो सिर्फ कार में मिलते हैं। इस स्कूटर में बता दें आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, जीपीएस नेविगेशन मिल जाता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। आपको बता दें एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। रिमोट एक्सेस से आप जो है स्कूटर को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने ओकिनावा कनेक्ट स्मार्टफोन एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है। इस ऐप की मदद से ग्राहक जो है स्कूटर की बैटरी लेवल और स्पीड को कहीं से भी देख सकता है। फिर चाहे स्कूटर कोई भी हो, इस्तेमाल कर रहा हो, आप सारा जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसमें एक एप्लीकेशन है, मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद आप किसी दोस्त को अपने गाड़ी को चलाने के लिए देते हैं तो उसका सारा डेटा आप देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ पे अभी है, कितना किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, उसकी बैटरी कितना चार्ज है, सब कुछ आप अपने घर बैठे देख सकते हैं जीपीएस के माध्यम से। ये सारा फैसिलिटी इस गाड़ी में दिया हुआ है, जो कि कार में ये फैसिलिटी रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, वो नया ओकिनावा ओकी 90 ये स्कूटर में बेहतर सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंट फीचर्स के साथ आता है। ये फीचर्स तंग पार्किंग स्थानों
से बाहर निकलने में राइडर की मदद करते हैं। वहीं बात करें तो यह स्कूटर पार्क करने पर जो है कंपन को महसूस कर सकता है और पता लगा सकता है कि इसके साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है, या फिर कंपनी का कहना है कि ऐसे मामलों में एंटी थेफ्ट अलार्म जो है बज जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में अपनी गाड़ी को खड़ा किए हैं, अगर आपका गाड़ी कोई छूता है दूसरे आदमी, तो गाड़ी में कंपन होने लगेगी और गाड़ी से आपको पता चलने लगेगा कि आपके गाड़ी में कोई छेड़छाड़ कर रहा है, उसका एंटी थेफ्ट अलार्म जो है वो बजने लगेगा। ये सारे फीचर्स आपको कार में मिलते थे, लेकिन अब इस स्कूटर में दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो स्कूटर काफ़ी अच्छा है, इस स्कूटर को आप ले सकते हैं। बात करते हैं इसकी फाइनल प्राइस के बारे में, तो ओकिनावा ने कंपनी जो है 1,86,000 रुपये के एक शोरूम दिल्ली में उतारा है। ये प्राइस बिना सब्सिडी का है, इसमें सब्सिडी लेस करके आपको 1,20,000 के आसपास लग सकता है। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है और इसका जो व्हील है दोस्तों वो बड़ा व्हील है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा है। माइलेज भी काफ़ी है, 160 किलोमीटर बड़ा बैटरी का यूज़ किया गया है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।